निराकार परमात्मा शिव बाबा हमारी दुनिया में आते हैं और ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान समझाते हैं जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन होकर इस सृष्टि पर सत्युगी संसार बन जाए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा का था, ऐसा पुरुषार्थ जिससे एक साधारण मनुष्य फरिश्ता बन जाता है, और ऐसा फरिश्ता जो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है कि हम सब भी ऐसा फरिश्ता, ऐसा एंजल बन सकते हैं। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने उस फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को पा लिया और वो अव्यक्त हो गए। 18 जनवरी और उससे कुछ दिन पहले ब्रह्मा बाबा को कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा वो अनुभव कर रहे होंगे और कैसे जो उनके आसपास के होंगे वो सब कैसा फील कर रहे होंगे। मन करता है ना कि हम भी शायद उस समय होते तो हमें भी पता चलता कि वो फीलिंग कैसी थी। उस कहानी को सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखेंगे उस कहानी को। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। 18 जनवरी 1969, उस दिन से कुछ दिन पहले क्या ब्रह्मा बाबा की कहानी थी और क्या उनके अंग संग जो थे उनकी कहानी थी। ये कहानी हमें कौन सुनाएगा? ये कहानी कोई व्यक्ति हमें नहीं सुनाएगा, ये कहानी हमें सुनाएगा अनुभव। अनुभव एक हस्ती नहीं है, अनुभव एक शक्ति है, और अनुभव हमें कहानी सुनाएगा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप स्थिति को पाने की और ब्रह्मा बाबा के अंग संग जो थे उनके अनुभवों की कहानी। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम उस कहानी को देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं, हम उसको अनुभव करेंगे। और जो कहानी हम सुन, देख और अनुभव कर लें वो यहाँ छप जाती है, और जो एक्सपीरियंस यहाँ छप जाता है वो हम बनना शुरू कर देते हैं, वो हमारा संस्कार बनता जाता है। तो 17 जनवरी संडे, 17 जनवरी 12 बजे हम ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता बनने के वो आखिरी कुछ दिन, उस दिनों को हम सुनेंगे, देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद 18 जनवरी को हम तपस्या करेंगे ताकि वो जो एक्सपीरियंस है उसको अब हमें अपना स्वरूप बनाना है, अपना स्वरूप। कितना मन करता है ना कि 18 जनवरी को हम मधुबन में हो, पांडव भवन में हो, बाबा के कमरे में हो, लेकिन इस साल परिस्थितियां कुछ अलग हैं, हम सब वहां नहीं जा पा रहे। लेकिन हम जहां बैठे हैं, हम वहां से बैठे बैठे उस सब का अनुभव कर सकते हैं। तो मंडे 18 जनवरी को अमृत वेला सुबह 3 से 5 बजे हम पांडव भवन का अनुभव करेंगे। हम बाबा की झोपड़ी में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम बाबा के कमरे में बैठकर योग करेंगे, फिर हम शांति स्तंभ पर गहरी तपस्या करेंगे, और फिर हम उसके बाद हिस्ट्री हॉल में ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा से सम्मुख हम मिलन मना रहे हैं। तो 3 से 5 सोमवार 18 जनवरी को सुबह अमृत वेले हम पांडव भवन मधुबन में अमृत वेले का गहरा तपस्या, बाबा से मिलन मनाने का अनुभव हम अमृत वेले करेंगे। फिर 18 जनवरी को 5 से 7 बजे हम पांडव भवन में ही रहेंगे। देखेंगे ना कि कितनी सुंदर सजावट है, एक सजावट फूलों की होती है और दूसरी सजावट यादों की होती है, स्मृतियों की होती है, शक्तिशाली योग की होती है, अनुभूतियों की होती है।
तो सुबह 5 से 7 बजे हम पांडव भवन का ही चक्कर लगाएंगे, सबको वहाँ देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे हम भी वहाँ हैं, और फिर 7 से 8 बजे हम मुरली भी पांडव भवन से ही सुनेंगे। तो ये 2 दिन हम सब इकट्ठे होंगे। संडे 17 जनवरी 12 बजे हम ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते बनने की कहानी को अनुभव द्वारा एक्सपीरियंस करेंगे, और 18 जनवरी 18 जनवरी को अमृत वेला सुबह 3 से 5 बजे हम पांडव भवन चारों धाम का एक्सपीरियंस करेंगे, और 5 से 7 बजे हम पांडव भवन में ही रहेंगे, और 7 से 8 बजे हम मुरली भी पांडव भवन से ही सुनेंगे अवेकनिंग टीवी चैनल पर।